भारत की दशा, परंतु अपना भारत सदा ऐसा नहीं था, ये आज की दशा है। लेकिन अपना प्राचीन भारत बहुत ऊंचा था। बहुत ऊंचा का मतलब है हम मनुष्य ही बहुत ऊंचे थे, भारत का मतलब ही हम भारतवासी। तो मनुष्य की लाइफ बहुत ऊंची थी, और जब भारत ऊंचा था अथवा हम भारतवासी ऊंचे थे, उसी टाइम पर ही सारी दुनिया सुखी थी। आज भारत भी नीचे तो सारी दुनिया कहेंगे। आज दुख और अशांति के आवाज के सिवाय और कोई आवाज है ही नहीं। तो ये चीज समझने की है कि आज हमारी ऐसी दशा क्यों हुई है, क्या अभी ऐसी दशा भी बदल कर करके फिर जो अपनी प्राचीन, जिसको कहते थे गांधी जी भी कहते थे ना, ये राम राज्य बने, तो राम राज्य भी तो हमारे भारत का प्राचीन जमाने की बात है ना, जिसको गांधी जी भावना रख कर करके कोशिश की, लेकिन वो प्रैक्टिकल चीज बन नहीं पाई। तो अभी वो प्रैक्टिकल चीज कैसे बनी थी, कैसे बन सकती है, उसके लिए क्या उपाय है, ये भी तो बातें समझने की है ना। तो वो राम राज्य कहो या कहीं जिसको कहते हैं दुनिया स्वर्ग कहो, स्वर्ग का नाम तो उठाते हैं बहुत, कम में कम जब कोई मरता है ना तब तो कहते ही हैं कि स्वर्गवासी हुआ। लेकिन ये पता तो होना चाहिए ना कि स्वर्ग है ही क्या चीज। अंग्रेजी में भी कहते हैं हेवनली अबोड में गया, लेकिन हेवन क्या चीज है। जिसको सुख और शांति का स्थान कहा जाए तो वो भी नॉलेज होना चाहिए कि सुख और शांति की कोई दूसरी दुनिया है, कोई ऊपर है, या यही दुनिया जिसमें हम है, इसी दुनिया की लाइफ की स्टेज कुछ बदलने की है। तो इसका नॉलेज होना चाहिए कि इसकी स्टेज बदलनी है, दुनिया यही है। ऐसे नहीं है कि दुनिया कोई दूसरी है, दुनिया एक ही है, वर्ल्ड वन है। जैसे गॉड इज वन, वर्ल्ड इज वन, यही मनुष्य सृष्टि एक ही है। लेकिन इस मनुष्य सृष्टि की लाइफ की स्टेजेस जो है ना, वो बदलती जरूर है। इसीलिए अभी जो स्टेज है वो तो हाल सुना हा? क्या है हालत, क्या है, कैसे रोते हैं, कैसे दुखी है, क्या हाल है। लेकिन ऐसे नहीं कहेंगे कि हमारी सदाई कोई दुनिया ऐसी थी, नहीं, वो भी दुनिया थी जिसको आज स्वर्ग कहने में आता था, सुख शांति वाली दुनिया कहने में आती थी, जिसकी भावना कोई राम राज्य में रखी, किन्होंने स्वर्ग के नाम से रखी है, किन्होंने कुछ नाम से रखी है। लेकिन वो हमारी जो स्टेज थी, जिस भारत के लिए नाम भी देते हैं गोल्डन स्पैरो था, तो वो कौन सी स्टेज और कैसे बनी थी, उसमें हमारी क्या लाइफ थी जो आज नहीं है, तो उन बातों को समझना चाहिए। जब समझेंगे तभी तो ऐसी लाइफ को बना सकेंगे ना। तो ये है, अभी रोशनी मिल रही है जहाँ आप पधारे हो, आप लोगों को मालूम हो, क्योंकि आज थोड़े नए कुछ आए हुए हैं, इसीलिए जरा समझाया जाता है कि जहाँ आप पधारे हो, यहाँ की एम एंड ऑब्जेक्ट है ही वो ही कि हमारी प्राचीन जो लाइफ की स्टेज थी अथवा हमारी दुनिया जो सुख और शांति वाली थी, वो कैसे बनी थी और कभी बनी थी, उसका अभी फिर से कैसे टाइम आया हुआ है, और ये हम भी उस परमपिता परमात्मा के द्वारा अभी इसी बातों को समझकर, क्योंकि इसी बातों को जानने वाला है ही एक सवाय परमात्मा के, हमको इसी सभी बातों की रोशनी कोई मनुष्य नहीं दे सकता है। इसीलिए इन बातों की रोशनी उसको ही है, उसको माना परमपिता परमात्मा को, जिसको ही कहा जाता है नॉलेजफुल, वो हमारे सारे कर्म गति को जानने वाला है, तो वही तो बता सकेगा ना। और उसने ही कहा है कि यदा यदा धर्मस्य गिलानिर भवति भारत, जब जब अधर्म होता है तब तब मैं आता हूँ, काय के लिए आता हूँ, इसीलिए कि इस बातों की समझ दे कर करके ऐसी दुनिया बनाने के लिए। तो अभी ये वही टाइम है और ये उनकी ही कॉलेज है परमपिता परमात्मा की, हम सब स्टूडेंट्स है उनके द्वारा, वो सीख रहे हैं कि किस तरह से अभी हम अपने प्रैक्टिकल लाइफ को ऊंच बनाएं, जिसके आधार से जो दुनिया हम चाहते हैं अथवा हम अपने लाइफ में सुख शांति चाहते हैं, वो हमको कैसे प्राप्त हो। क्योंकि मनुष्य दुखी जो होता है ना, दुख कहाँ से होता है,
दुख को भी समझना चाहिए। दुख किसी बातों से होता है। देखो मनुष्य को रोग होता है तो दुखी होता है, अकाले मृत्यु होता है तो दुख होता है, निर्धनता होती है तो दुख होता है, लड़ाई झगड़े होते हैं तो दुख होता है, यही दुख के कारण है नहीं। अभी अगर हमारे लाइफ में ये बातें न हो फिर तो ठीक है ना, फिर तो हमारी जीवन, हमारे पास कभी रोगी ना आवे, कभी अकाले मृत्यु ना हो, यानी मरने जीने का बल हमारे पास हो, और कभी लड़ाई झगड़े और निर्धनता आदि ये सभी बातें न हो, फिर तो हमारी जीवन सुखी हो, फिर तो ठीक ही है ना। लेकिन ये होवे कैसे? ऐसे भी नहीं कहेंगे कि ये संसार का नियम है, रोग होना भी जरूरी है, अकाले मृत्यु होना भी जरूरी है, निर्धनता भी जरूरी है, ये लड़ाई झगड़े भी सदा से चले आए हैं, कहीं ऐसे समझते हैं, परंतु नहीं, ये रॉन्ग है। ये समझने की बात है, हमारी दुनिया की वो भी स्टेज थी जिस जमाने को ही कहा जाता था स्वर्ग अथवा राम राज्य, जो अपने अपने शब्दों में कईयों ने बेचारों ने भावना रखी है, परंतु वो प्रैक्टिकल चीज कैसी थी, किस तरह से बनी थी, उनका प्रैक्टिकल चित्र किसी के पास न होने की, तो वो प्रैक्टिकल तो प्रैक्टिकल जानने वाला है ना परमात्मा, वही बता सकती हैं। तो अभी उसने क्या बताया है और समझा रहे हैं कि उनका है कि हमारे जीवन में कभी रोग नहीं था, हमारे जीवन में कभी अकाले मृत्यु यानी बिगड़ टाइम। अभी मनुष्य है, मनुष्य मर जाता है या मरता है, कुछ मनुष्य क्या कर सकता है, बेवश है ना, परंतु नहीं, हमारे लिए वो बल था कि हम अपने शरीर को अपने टाइम पर अपने बल से उतारते थे, उतारते का मतलब थे छोड़ते थे, जब बाल युवा वृद्ध स्टेज कंप्लीट होती थी तब टाइम, और मालूम पड़ता था कि अभी हमारा समय हुआ है, अभी शरीर को छोड़ना है और शरीर लेना है, तो वो बल था। लेकिन आज वो ताकत नहीं है, तो ये सभी ताकत हमारी क्यों चली गई है, जरूर है कि हमारे कर्म की गिरावट हुई है, जिसको कहे कर्म भ्रष्ट। तो अभी कर्म भ्रष्ट बनने के कारण हमारी वो ताकत अपने सभी बातों के प्राप्त करने की, ये रोग आदि भी क्यों होता है, ये भी तो कर्म की हीनता है ना। कोई भी दुख होता है तो मनुष्य कहते हैं ना भाई ये कर्म, तकदीर, किस्मत, उसी पर ही कहना पड़ता है ना। तो ये क्यों कहते हैं, जरूर है कि कर्म किसने बनाए, ये भगवान ने थोड़ी बनाए बैठ के, हमारे दुख के कर्म भगवान ने थोड़ी बनाए। अगर भगवान ने हमारे बनाए, रोग भी भगवान देता है या हमारा दुख भी भगवान देता है, तो भगवान को हम सुख के लिए याद क्यों करते हैं? जब भी दुख आता है तो भगवान को याद करते हैं कि हे भगवान अभी रहम कर, हे भगवान अभी सुख दे, हे भगवान अच्छी बात के लिए उसको याद करते हैं। नहीं, ऐसे थोड़ी कहते हैं भगवान दुख दे, उसने हमको अगर दुख दिया होता तो उसको हम सुख के लिए क्यों याद करते हैं? और महिमा भी ऐसे करते हैं कि तू दुख हरता सुख करता, ऐसे नहीं उनको कहते हैं तू दुख करता सुख करता, नहीं, कभी भी स्तुति में भगवान के लिए ऐसे कोई कहते हैं हे भगवान तू दुख करता है, नहीं, उनको कहते तू सुख करता और आप दुख हरता, हरता का मतलब ये नाश करता। तो जो दुख के हरने वाला है वो दुख देगा कैसे, ये तो कॉमन समझने की बात है। तो दुख कोई भगवान नहीं दिया है, ये दुख हम अपने भूलवश अपने विकारों के वश होने के कारण है, विकारों के कारण दुख बना है। इसीलिए अभी परमात्मा कहते हैं कि जब तलक इन विकारों को नहीं छोड़ा है तब तलक तुम दुख से छूट नहीं सकते हो। तो अभी उसी से कैसे छुटकारा पाओ विकारों से, और तुम्हारे कर्म कैसे श्रेष्ठ बने, जिस श्रेष्ठ कर्म के आधार से तुम्हारी प्रारब्ध श्रेष्ठ बने, तो वो बेहतर करके सिखाया जाता है। तो इसी शिक्षा के लिए ही परमात्मा ने आगे भी कहा है नी, तो यदा यदा जब जब ऐसा अधर्म होता है, जब इन बात की जानकारी एकदम चली जाती है और पांच विकारों वश मनुष्य हो जाते हैं, तब मैं आता हूँ और आकर कर करके ये ज्ञान देकर करके विकारों से निवृत्त करता। तो ये है उसी का एक कॉलेज, उसने बैठकर करके लिए एक अर्जुन को नहीं समझाया था, ये तो गीता शास्त्र बनाया है, वो तो पीछे शास्त्रकारों ने बैठकर करके एक फॉर्म से एक शास्त्र बनाया, पर तो प्रैक्टिकल में तो कोई एक के लिए तो नहीं आया ना, वो तो नर नारियों को बैठकर करके शिक्षा दी है जैसे दे रहे हैं। हम भी तो अभी उनके द्वारा ये शिक्षा पा रहे हैं, जो सबका पिता है, आप लोगों का, हमारा, कोई अकेला हमारा थोड़ी है, सबका है, सारी दुनिया का, सभी मनुष्य मात्र का, सभी धर्म का, सबका बाप तो एक ही है, नहीं परमात्मा तो एक ही को कहेंगे ना, इनकॉर्पोरियल गॉड, निराकार परमात्मा एक ही को कहा जाता है, और उसको सब मानते हैं और सब कहते हैं गॉड इज वन। तो वो वन तो एक ही चीज है ना, कोई मनुष्य की तो बात ही नहीं है ना। और जो भी धर्म स्थापिक आए हैं तो उन्होंने भी कहा
कि आप खुद अपने को गॉड नहीं कहा। देखो गुरु नानक देव है, उसने भी अपने को कोई परमात्मा नहीं कहा। क्राइस्ट था तो उसने भी अपने को कोई परमात्मा नहीं कहा, उसने भी कहा मैं सन ऑफ गॉड हूँ, नॉट गॉड बट सन ऑफ गॉड। और जो भी आए हैं धर्म स्थापित, उन्होंने कोई अपने को परमात्मा नहीं कहा, उन्होंने भी परमात्मा के तरफ उंगली उठाई अर्थात उसके तरफ इशारा किया। तो उसका मतलब है परमात्मा तो एक निराकार हो गया ना, और उसी निराकार को ही सब मानेंगे। ऐसे तो नहीं है ना जो धर्म के स्थापन करने वाले हैं उनको सब मानेंगे, नहीं वो तो हर एक अपने अपने धर्म, जैसे गुरु नानक देव है हाँ, वो सिख धर्म वाले या जिसी धर्म वाले जो मानते हो वही सब तो उसको नहीं मानेंगे ना। तो वो तो हो गए धर्म स्थापित, लेकिन उन्हों का भी जो पिता निराकार परमात्मा जिसको ही कहा जाता है अथॉरिटी, वर्ल्ड ऑल माइटी अथॉरिटी, अभी वो वर्ल्ड ऑल माइटी अथॉरिटी हमारे सारी कर्म गति को जानता है, इसीलिए उसका भी टाइम है एक वाह आकर करके। और उसने ही कहा है कि जब जब ऐसा अधर्म होता है तब तब मैं आकर कर करके सभी के कर्म गति का नॉलेज देता हूँ, और कर्म को कैसे श्रेष्ठ बनाओ वो आकर करके समझाता हूँ। तो अभी जहाँ पधारे हो, ये कोई हमारी कॉलेज या हमारा स्कूल, हम भी स्टूडेंट है, लेकिन पढ़ाने वाला जो है ना वो वही है, वो बैठ कर करके अभी समझा रहा है कि किस तरह से हमारी जीवन गिरी है, ये दुख कैसे हुआ है, क्यों हुआ है, हमारी आगे लाइफ क्या थी। खाली हमको रोते या पुकारने से तो काम नहीं होगा ना, परंतु वो हमारी स्थिति कैसे बने वो प्रैक्टिकल बैठ करके समझाती है कि ये पांच विकारी हैं जो मनुष्य को गिराते हैं, उसी से ही मनुष्य के कर्म भ्रष्ट बनते हैं। अभी उसको कैसे सुधारो, जिसी के सुधारने से तुम्हारे कर्म श्रेष्ठ बनेंगे, और उसी श्रेष्ठ कर्म से तुम्हारी प्रारब्ध श्रेष्ठ बनेगी, जिसके आधार से फिर तुम्हारे लाइफ में सदा सुख प्राप्त होगा, यानी एवर हेल्दी, एवर वेल्दी और एवर हैप्पी, यानी सदा सुख के जो साधन है वो प्राप्त रहेंगे। तो वो हमको प्राप्त रहेगा तभी जब हमारे कर्म श्रेष्ठ रहेंगे ना, बिना श्रेष्ठ कर्मों के हमारे हमको सुख की प्राप्ति हो ही नहीं सकती। तो हम खाली सुख शांति के इच्छक रहे उसी से तो काम नहीं बनेगा ना, लेकिन वो बनेगा कैसे तो हमको उसके उपाय का पता होना चाहिए। तो आज दुनिया बहुत उपाय करती है वर्ल्ड पीस के लिए, वर्ल्ड शांति के लिए, विश्व शांति के लिए, अथवा अनेक सुख प्राप्त करने के लिए साधन तो कई कोशिश करती है, परंतु सभी कोशिशों का हमको लाभ मिल नहीं रहा है प्रैक्टिकल में। उसी तरीके से आज देखो कितनी साइंस ऊंची गई है, चांद सूर्य तक भले ऊंचे तो ऐसे चल गए, लेकिन लाइफ हमारी नीचे चली जा रही है। तो हमारी लाइफ को कैसे ऊंचा उठाया जाए और हमारी लाइफ कैसे ऊंची उठे, उसका फाउंडेशन कौन सा है, उसका फाउंडेशन है प्यूरिटी, फर्स्ट प्यूरिटी देन पीस एंड प्रॉस्पेरिटी। ऐसे नहीं है फर्स्ट पीस एंड प्रॉस्पेरिटी, नहीं, फर्स्ट प्यूरिटी। जब तक लाइफ में प्यूरिटी नहीं आई है तब तक पीस एंड प्रॉस्पेरिटी आ ही नहीं सकती है। तो फर्स्ट प्यूरिटी, तो प्यूरिटी कैसे हमारे जीवन में आए जिससे हमारे कर्म अच्छे बने, तो कर्म का ही हम फल खा सकेंगे ना। हमारे कर्म ही ठीक नहीं होंगे तो हम फल खाएंगे कहाँ से, कर्म से ही तो फल बनता है ना। हम खाने की इच्छा रख बैठे है लेकिन मिले कहाँ से, उनका बीज जो बोना है, तो ये है कर्म क्षेत्र, ये गीता में भी है, ये कर्म क्षेत्र है, इसको कर्मों की खेत कहा जाता है। जो हम करते हैं सो पाते हैं, लेकिन हम करना क्या चाहिए, हमको उसका राइट नॉलेज होना चाहिए। ऐसे तो कॉमन कहीं समझते हैं कि इतना तो हमें भी ज्ञान है कि भाई सच बोलना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, किसको धोखा नहीं देना चाहिए, किससे कोई ऐसा पाप कर्म नहीं करना चाहिए, तो कॉमन सब समझते भी है। परंतु पहले पहले ये भी तो हमको जानना चाहिए ना कि सच ही क्या है, सच बोलना चाहिए पर तो सच क्या है, सच का भी तो पता होना चाहिए ना कि व्हाट इज ट्रुथ, ट्रुथ का नॉलेज होना चाहिए ना। ट्रुथ उसको कहेंगे कि हमको यथार्थ अपनी नॉलेज होनी चाहिए कि व्हाट एम आई, हम कौन है, सेल्फ रियलाइजेशन होना चाहिए कि हम है कौन। ऐसे तो कॉमन किसे भी पूछेंगे आप कौन हो, तो कहेंगे यहाँ देखो मनुष्य है, हम मनुष्य है और क्या है, देखते नहीं हम मनुष्य है, ये तो कॉमन परिचय, वो तो बात ही नहीं। लेकिन आई सेल्फ, हम है कौन, वो चीज का पता होना चाहिए ना। तो हम है आत्मा, आत्मा को अपना ज्ञान होना चाहिए और हमारा कैसा कर्म के साथ संबंध है, हम किस कर्मों से श्रेष्ठ बन सकते हैं और किस कर्मों के कारण नीचे गिरे हैं, इन सब बातों का यथार्थ नॉलेज होना चाहिए ना। तो हमको अपना और अपने क्रिएटर का, परमपिता परमात्मा का, जिससे हमको बल मिलेगा, ताकत मिलेगी, उनका नॉलेज
और हमको अपने कर्म का नॉलेज, इन सब बातों की यथार्थ नॉलेज होनी चाहिए। तो यथार्थ नॉलेज को ही सच कहा जाएगा, बाकी ये कॉमन नॉलेज वो तो सब जानते हैं। सच बोलना, सच क्या कहेंगे भाई, जिसने इसने यही बात सुनाई, मैंने भी वही बात सुनाई, ये सच बोला। अभी सच ये तो नहीं ना, हम वास्तव में है कौन, हमारा ये कर्म का चक्कर कैसा चलता है, हमारी कर्म की ये सृष्टि का कैसा बना, इन बातों को यथार्थ जानना, उसको कहेंगे सच को जानना। बाकी ये तो नहीं ना, इसने जो बोला हमने भी वो बोला इसीलिए हम सच्चे हो गए, नहीं। ये है कौन इसका पता होना चाहिए, ये कौन है। तो अपना, हरे को अपना, दूसरे का तो ये कौन है, हम जो ये देखते हैं तो ये नॉलेज होना चाहिए ना, ये क्या है, मनुष्य है क्या। तो इस यथार्थ नॉलेज को समझना, इसको कहेंगे ट्रुथ को जानना। तो सत्यता का पता भी होना चाहिए ना, कि हमारी जीवन का आधार किसके ऊपर है, हमारा कर्मों का आधार किसके ऊपर है, हमारा कर्म क्या है, हमें करना क्या चाहिए, इन सब बातों की यथार्थ जानकारी को ही ज्ञान कहा जाता है, और उसको ही कहेंगे सच को जान। तो जब तक ऐसी यथार्थ नॉलेज का पता नहीं है तो मनुष्य सत्यता से चलते ही नहीं है। भले मनुष्य तो समझते हम बड़े, कभी किसको खून नहीं किया, कभी किसका पाप तो नहीं किया, कभी किसको धोखा दिया नहीं, हम इसीलिए बहुत सत्यवादी हैं, बहुत अच्छी है, परंतु पांच विकार वश जब तक मनुष्य है ना, तो मनो उससे पाप होता ही रहता है। ऐसा तो कोई कह नहीं सकता है कि हमारे पास विकार ही नहीं है, क्योंकि बेचारे को विकारों का अर्थ नहीं है, नहीं पता ही नहीं है। वो तो समझते हैं क्रोध के बिना दुनिया कैसे चलेगी, काम के बिना संसार की वृद्धि कैसे होगी, हाँ मोह के बिना बच्चों की पालना कैसे होगी, हाँ वो कहीं ऐसे समझते हैं कि पांच विकार के बिना संसार का काम ही नहीं चलेगा, परंतु ये रॉन्ग है। हमारा संसार विकारों के सिवाय सदा सुखी था, जिसको ही कहा जाता था स्वर्ग। स्वर्ग में स्वर्गवासी मनुष्य जो थे क्या विकारी थे, हमारे पूज्य श्री लक्ष्मी, श्री नारायण, श्री सीता, श्री राम, जो गांधी जी राम राज्य की भावना रखता था, उसी जमाने की बात है, क्या उन्हीं समय में विकार था। अगर उनको विकार तो आज उनके चित्र मंदिरों में क्यों पूजे जाते हैं। आज जब भी मंदिरों में जाते हो, लक्ष्मी नारायण के मंदिर में जाते हो, तो आप उनके आगे क्या कहते हो, आप सर्वगुण संपन्न, सोलह कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, ऐसे कहते हो ना, कि आप कहते हो आप सर्वगुण अपूर्ण, आप विकारी, ऐसे तो नहीं है ना, उनको निर्विकारी क्यों कहते हो। जरूर कंट्रास्ट है ना, विकार और निर्विकार का कोई तो कंट्रास्ट है ना। तो इसी सभी बातों को भी समझना है ना, और अपने को कहते हैं हम विकारी, हम पापी, हम नीच, हम कपट, अपने को ऐसे कहेंगे, उनको कहेंगे आप संपूर्ण, आप सर्वगुण संपन्न, सोलह कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकार, देवताओं को ऐसे कहते हैं तो क्यों कहते हैं, जरूर कोई कंट्रास्ट है ना। और अंग्रेजी में भी कहते हैं वाइसलेस और विशस, तो फर्क है ना विशस में और वाइसलेस में। तो विशस किसको कहेंगे, जिसमें वाइसेस है, तो वाइसेस किसको कहा जाता है, तो ये भी समझने की बात है ना। तो वाइसलेस ऐसे नहीं, अब निर्विकार का मतलब ही है वाइसलेस, तो उसकी माना वाइसेस का लेस चाहिए ना, कहते वाइसलेस तो माना वाइसेस नहीं, उनको कहेंगे लेस। बाकी ऐसे नहीं है कि ये विकारों के बिना दुनिया कैसे चलेगी, फिर उसको वाइसलेस कैसे कहेंगे। तो वाइसलेस वर्ड का भी अर्थ का समझना है ना। तो ये सभी चीजों को समझना है कि हमारी दुनिया उसी बल से चली हुई है जिसमें हमारे पास विकारों का बल नहीं, विकार कोई बल नहीं है, विकार से तो हम गिरे हैं ना। तो ये सभी चीजों को समझना है, इसीलिए इस बातों को समझ कर करके हम अपने संसार को कैसे ऊंचा उठाएं और उसके लिए हमें क्या करना चाहिए और किस तरह से हम ऊंचे हो सकते, उसको यथार्थ समझना, उसको ही कहेंगे सच को जानना। इसीलिए कहा जाता है गॉड इज ट्रुथ, यानी इसी सत्यता को परमात्मा ही जानता है, ट्रुथ को परमात्मा ही जानता है, और कोई जान ही नहीं सकता है। इसीलिए तो बेचारे मनुष्य नहीं जानते ना, तब तो कहते नहीं तो ना भाई, तो संसार ऐसा ही चलेगा। परंतु संसार कैसे चलेगा, अगर ऐसा ही चलेगा तो चला के दिखाओ ना, आज क्यों संसार अशांत दुख हुआ है, ऐसा ही चलेगा तो चला रहे है नहीं संसार, फिर उसमें चिल्ला क्यों रहे हो, अशांत है, दुख है, देखो हाहाकार लगी हो गई है ना, ये देखा नहीं, सुना नहीं, गीत में भी देखो ना आज हमारा भारत क्या है। तो ये क्यों है, अगर हम चला के जानते हैं तो दिखाओ ना चला करके, हाँ फिर संसार क्यों हमारा दुख और अशांति में आ चुका हुआ है। इसीलिए बाप कहती है मनुष्य तुम नहीं जानते हो, मैं जानता हूँ कि तुम्हारा संसार कैसे सुखी बनेगा। इसीलिए अभी परमात्मा के द्वारा ये रोशनी मिल रही है कि किस तरह से हम मनुष्य अपने संसार को सुखी बनाए, इसका ज्ञान कोई मनुष्य के पास नहीं, इसका ज्ञान उसी ज्ञान दाता के पास, जिसको ही कहा जाता है नॉलेज फुल गॉड अथवा ज्ञानी ज्ञान हार या ज्ञान सागर, ये किसको कहा जाता है, परमात्मा को।
तो परमात्मा के पास ही हमारे मनुष्य का यथारथ नॉलेज है कि मनुष्य की कंप्लीट स्टेज कौन सी है, तो हमारी कंप्लीट स्टेज कौन सी है और कैसे बने उनकी हमको नॉलेज चाहिए, उसको ही कहेंगे सत्यता को जानना, जिससे हम सच पर सच्चे बने और प्रैक्टिकल लाइफ हमारी वो ऊंची बने। जब तक ऐसी लाइफ नहीं बनी है तब तक मानो हम सत्यता को जानते ही नहीं है। बाकी ये कॉमन सत्यता, किसी ने कुछ कहा हमने भी वही सुनाया, तो उसको थोड़ी सत्यता कहेंगे। सत्यता है कि हमारी लाइफ की सत्यता क्या है, वास्तविकता क्या है, जिसको हम जान कर करके उसी वास्तविकता को प्राप्त करें तो उसको कहेंगे सत्यता। कि हमारी लाइफ की जो वास्तविक अथवा एम एन ऑब्जेक्ट है वो क्या है और उसी को हम कैसे पाएं, तो कहेंगे ये राइट स्टेज को जानता है और राइट स्टेज को प्राप्त करता है, तब तो कहेंगे नहीं सत्य को जानना। तो ये सभी ज्ञान होना चाहिए ना। अभी ये ज्ञान सवाय परमात्मा के और कोई दे भी नहीं सकता, इसीलिए ये हम भी अभी उनके द्वारा सुन रहे हैं, नहीं तो हम भी ऐसे कहते थे जैसे दुनिया कहती है ना, क्या भाई ये विकार है, विकारों के सिवाय दुनिया कैसे चलेगी, ऐसे ही चली आई है। क्योंकि हमारे पूज्य देवताओं के भी बायोग्राफी में कहीं कहीं ऐसी बातें शास्त्रों में लिखी हुई है, इसीलिए भी गई मनुष्य मूंझे हुए हैं। जैसे रामचंद्र के जमाने में भी लगा है ना रावण के साथ लड़ाई, तो वो समझते हैं कि उसी जमाने में भी लड़ाई हुई है ना, तो ये तो सभी जमानों में हुआ है। वो कृष्ण के साथ भी लड़ाई, हाँ उसके जमाने की भी बातें हैं, और उधर सतयुग के जमाने में भी असुर और दैत्यों की लड़ाई, हाँ तो सभी जमाने में लड़ाई लड़ाई की बातें आई है ना, तो समझते हैं कि मनुष्य तो ये तो सभी युगों में चली आई है, परंतु ऐसे है नहीं। तो ये भी तो हमें बातें समझने की है ना। हमारा जिसको जिसके लिए गांधी जी राम राज्य कहते थे, राम राजा राम प्रजा राम शाहूकार है, बसे नगरी जिये दाता धर्म का उपकार है, ये कहावत बहुत मशहूर है। तो जब ही इतना धर्म के उपकार का जमाना था तो वहाँ कैसे राम और रावण की लड़ाई होंगी। अभी इसका भी बैठ कर करके अर्थ समझना है। वो कोई त्रेता वंश राजा राम की लड़ाई का बात नहीं है, ये राम और रावण क्या है ये सभी पर बातें समझने की। रावण कोई दस शीश वाला कभी आदमी हुआ ही नहीं है न कोई राजा था, आदमी नहीं था तो राजा कहाँ से होगा। हाँ तो ये दस शीश वाला कभी कोई आदमी था ही नहीं। अभी ये किस अर्थ से बनाई है बातें वो समझने की। दस शीश का अर्थ है पांच विकार स्त्री के और पांच विकार पुरुष के, इसको अपवृत्ति का ये कहेंगे सिंबल निशान है। बाकी ऐसे नहीं कोई दस शीश वाला आदमी होता है। तो देखो इन सभी बातों का अर्थ समझना है ना। तो ये है अपवित्र मनुष्यों का सिंबल, यानी नर नारी दोनों जब ये अपवित्र होते हैं तो संसार दुखी होता है, उसको कहा जाता है रावण राज्य, यानी विकारों का राज्य। रावण विकारों का सिंबल समझो, बाकी कोई मनुष्य नहीं है दस शीश वाला। नहीं दस शीश वाला कभी आदमी होता है क्या, कोई जमाने में कभी हुआ नहीं है। नहीं देवता थे तो भी दो आंखें वाले एक सिर वाले, ऐसे नहीं तीन आंखें वाले या चार सिर वाले या चार भुजाएं वाले, नहीं भुजा दो, देवता तो भी दो भुजा। देखो इसीलिए चित्र करेक्ट बनाए हैं ना कि भाई ये दो भुजा के लक्ष्मी नारायण दो भुजा वाले मनुष्य जैसे होते हैं, लेकिन हाँ उनकी लाइफ जरूर ऊंची थी। बाकी तीसरी आंख का ये तीन आंखें भी जो दिखलाते हैं इनका भी अर्थ है, ये थर्ड आई ऑफ विजडम ज्ञान का नेत्र है। बाकी ज्ञान का नेत्र ऐसा नहीं कोई इधर नेत्र निकल आएगा, नहीं मनुष्य को तो दो नेत्र है जो देखने के लिए, वो तो दो नेत्र की बात है, लेकिन ये ज्ञान का नेत्र जो अभी ये ज्ञान मिल रहा है ना इसको कह सकते हैं कि अभी थर्ड आई ऑफ विजडम है, पर दुनिया थोड़ी आंख निकल आई है, निकलेंगी तो रही नहीं, वो ज्ञान का चिन्ह है निशान है जो चित्रकारों ने बैठ के दिखाया। ज्ञान कैसे दिखलाया भाई, इस मनुष्य के पास ज्ञान है तो इधर आंख दिखा दिए बस, तो ये उसका निशान है। बाकी ऐसे नहीं है कि तीन आंखें होती हैं या चार भुजाएं, चार भुजाओं का भी अर्थ है जो चतुर्भुज का, दो भुजा नारी की दो भुजा नर की, यानी नर नारी जब ये पवित्र है तो चतुर्भुज है, यानी पवित्र देवी देवता है, इसीलिए उसका सिंबल है। ये सभी सिंबल है, ये रावण भी विकारों का सिंबल है और ये चतुर्भुज भी पवित्र निर्विकारी मनुष्यों का सिंबल है। तो ये सभी चीजों को समझना। बाकी ऐसा नहीं राम रावण की लड़ाई हुई है या कुछ भी, नहीं ये राम माना परमात्मा, जब ही परमात्मा आया है तो विकारों से लड़ाई कराई है, अर्थात युद्ध कराई है पांचों विकारों के साथ जीतने के लिए। देखो अभी हम युद्ध कर रहे हैं, हम हमारी लड़ाई किससे है, हम भी लड़ रहे हैं, किससे लड़ रहे हैं, विकारों से, विकारों ने हमारे ऊपर जीता है ना। अभी हम विकारी हो गए थे, हमारे ऊपर विकारों ने राज किया इसीलिए हम दुखी हुए हैं,
अभी फिर परमात्मा आकर के रोशनी दिया कि स्वीकारों से लड़ो और स्वीकारों को जीतो। किससे लड़ो? रावण से। तो ये हमारी रावण के साथ लड़ाई। अभी लड़ाई का अर्थ ये है, बाकी ऐसे नहीं है कि कोई सच सच दसीस वाला आदमी था, कोई राजा था जिसके साथ राम की युद्ध हुई, ऐसी कोई बातें नहीं है। तो ये सभी चीजें को भी समझना है ना। तो अभी ये बायोग्राफी जो राम और उसकी बनाई है और उन्होंने स्टोरी बनाने वालों ने जिस तरह से बनाया, तो इन बातों को पूरा न समझने के कारण ये बहुत बातें मिक्सअप हो गई। इसीलिए कहीं समझते हैं लड़ाई तो सदा से चली है ना, परंतु नहीं, सदा हमारे सतयुग और त्रेता के जमाने में, जिसमें कहते हैं राम राजा, राम प्रजा, राम शाहूकार है, बसे नंगड़ी जिए दाता, धर्म का उपकार। तो धर्म का उपकार जाऊंगा वहाँ ये अधर्म की बातें कहाँ होंगी? लड़ाई झगड़े तो अधर्म की बात है नहीं, वो कैसे होंगी? तो ये सभी चीजें को समझने का है। इसीलिए वो जमाने कोई लड़ाई के नहीं थे। ये लड़ाइया का जमाना द्वापर काल से शुरू हुआ है। सतयुग और त्रेता में ये लड़ाई या अशांत के कोई भी कारण, कभी अकाले मरना या रोग आदि, वो भी जमाना था जब डॉक्टर्स और हॉस्पिटल्स थे ही नहीं क्योंकि रोगी नहीं था। कभी कोई जज वकील और कोर्ट आदि थी नहीं क्योंकि चोरी चकारी थी नहीं, काहे के लिए होंगे, वो भी जमाना था ना। तो हमारे वो जमाना जिसमें हमारे पास न कोई झूठ न पाप न कोई ऐसा कर्म, धर्मराज के डंडे भी नहीं थे क्योंकि हमारे पाप ही नहीं थे, उसकी कोर्ट भी बंद। तो ये यहाँ की कोर्टें की तो कोई बात ही नहीं है क्योंकि वो हमारी लाइफ की स्टेज इतनी ऊंची थी, तभी हम पूर्ण सुखी थे, एवर हेल्दी, एवर वेल्दी, एवर हैप्पी जिसको कहा जाता है। हमारे कर्म श्रेष्ठ थे ना, लेकिन आज हमारे कर्मों में भ्रष्टा आ चुकी है, जिसको कहते हैं ना भ्रष्टाचार। देखो आज भ्रष्टाचार का नाम है ना, तो भ्रष्टाचार तो श्रेष्ठाचार कंट्रास्ट तो चाहिए ना, तो श्रेष्ठाचार माना श्रेष्ठ आचरण, अभी आचरण भ्रष्ट हुआ है इसीलिए भ्रष्टाचार। तो ये सभी चीजों को भी समझना है ना, इसीलिए देखो ये सभी बैठ कर करके बातें अच्छी तरह से समझने की। ये यहाँ कोई लेक्चर से सिर्फ समझ जाएगा नहीं, ये तो बातें आ करके इंडिविजुअली अच्छी तरह से बैठ कर करके टाइम दे कर करके कोई समझे तभी कुछ समझ सकेंगे और कुछ अपना प्रैक्टिकल जीवन बना सकेंगे। इसीलिए बार बार जो भी नए आते हैं आप लोगों को ये ध्यान में दिया जाता है कि ये कुछ टाइम दे करके समझने से समझ सकेंगे। बाकी कोई एक दो लेक्चर से आया और सुना, ये कोई कॉमन चीज ऐसी नहीं है जो समझ में आई, तो अपने प्रैक्टिकल लाइफ में किस तरह से हम लाएं और अपने लाइफ में क्या करें, वो सभी बातें आकर के अच्छी तरह से सीखनी और समझने की है। बाकी कुछ और ऐसी डिफिकल्ट भी बात नहीं है जो कोई डर जाए तो समझे पता नहीं कुछ ऐसी साधन या क्रियाएं है, नहीं, ये समझना है कुछ और समझ करके अपने ग्रस्त व्यवहार में रह कर करके अपने जीवन को पवित्र रखना है, जिसको ही कहा जाते हैं ग्रस्त आश्रम। कहते हैं नहीं ग्रस्त आश्रम, तो ग्रस्त का नाम देखो कितना अच्छा है आश्रम, लेकिन आज कहाँ है ग्रस्त आश्रम? आश्रम होता है वो जहाँ शांति और सुख होता है, यहाँ पवित्रता की बातें होती हैं, उसको आश्रम कहेंगे। आज कहाँ है हमारे ग्रस्त में? कहा जाता है ग्रस्त धर्म, आज कहाँ है धर्म? आज ग्रस्त धर्म को अगर अधर्म कहा जाए तो कह सकते हैं, क्योंकि विकारों के साथ ग्रस्त का संबंध चल रहा है ना, जिसमें दुख है शांति। हाँ, किसी से भी अगर पूछो तो कहेंगे भाई ग्रस्त में क्या झंझट झंझाल, ये कॉमन कहते हैं। क्यों कहते हैं? नहीं तो ग्रस्त आश्रम उसमें झंझट और झंझाल क्यों? परंतु है, क्योंकि आज हमारे गृहस्थी में विकार कर्म का जो खाता है ना वो उल्टा चल चुका हुआ है, इसीलिए हमारा ग्रस्त अभी गिर चुका हुआ है। नहीं तो हमारी प्रवृत्ति का आदर्श बहुत ऊंचा था, देखो देवता है ये हम ही थे ना, हम मनुष्य ही थे इतने ऊंचे, ये लक्ष्मी नारायण सीताराम इनके जीवन का आदर्श क्यों ऊंचा था? उनका ग्रस्त पवित्र था, उसको कहते थे ग्रस्त धर्म, धर्म पति धर्म पत्नी, देखो धर्म का नाम आता है ना, लेकिन आज कहाँ है धर्म का संबंध? अभी तो है विकारों का संबंध, तो उसी को थोड़े धर्म कहेंगे। तो ये सभी चीजें समझनी चाहिए कि हमारा जो लाइफ का स्टेज है और हमारी जो प्रवृत्ति का स्टेज है वो बहुत ऊंचा है, उसी ऊंच को कैसे बनाएं, प्रैक्टिकल में कैसे लाएं, उन्हीं सभी बातों को समझना है। और ये सभी गीता के भगवान ने गीता में भी कहा हुआ है, कर्मयोग राजयोग वो सबसे श्रेष्ठ है, ये वही चीज है, वही बैठ करके परमात्मा अभी कर्म योग यानी घर ग्रस्त में रहते और किस तरह से हम अपने पवित्र प्रवृत्ति को बनाए वो बैठ करके सिखाए रहे हैं। तो ये है कॉलेज, जैसे डॉक्टरी इंजीनियरिंग बैरिस्टरी कॉलेज होता है ना, मनुष्य डॉक्टरी कॉलेज से डॉक्टर बनेगा, इंजीनियरिंग कॉलेज से इंजीनियर बनेगा, तो ये भी एक कॉलेज या यूनिवर्सिटी समझो, काहे की है मनुष्य से देवता अथवा देवी बनने का, नारी से
लक्ष्मी नरसे नारायण, अभी बनना हो तो फिर वेलकम, समझा? हाँ, तो इसकी स्टेटस बतला देते हैं एम एन ऑब्जेक्ट, कि नर कितना ऊंचा है, नारी कितनी ऊंची है, नारी नहीं तो लक्ष्मी है, पर लक्ष्मी कहने की नहीं, प्रैक्टिकल चाहिए ना, लाइफ चाहिए, और नर नारायण, नर का मतलब है पवित्र, तो मनुष्य नर नारी इतने ऊंचे है। अभी ऐसी प्रवृत्ति अपनी बनानी है, उसकी एक कॉलेज है, किस तरह से हम अपने घर गृहस्थ में रहते प्रवृत्ति को पवित्र बनाएं, उसी को कैसे प्रैक्टिकल में लाएं, वो समझना और प्रैक्टिकल बनाना है। तो ये आप लोगों को ये मैन ऑब्जेक्ट सुनाते हैं, बाकी बनना और प्रैक्टिकल में आना उसके लिए तो फिर थोड़ा टाइम दे कर करके समझेंगे तो समझ सकेंगे। अच्छा, अभी टाइम हुआ है इसीलिए अभी इसको 2 मिनट साइलेंस। ऐसा हाल होता है तब मैं आता हूँ, यदा यदा धर्मस्य गिलानिर, जब जब अधर्म होता है तब मैं आता हूँ। तो अभी ये हाल है, अभी बाप आकर करके समझा रहा है कि अभी कैसे अपने संसार को फिर अच्छा बनाओ। बनाएंगे तो हम ही ना, बिगाड़ा भी हमने है, बनाना भी हम है, क्योंकि हमारे कर्म से बिगड़ा है। अभी हमको अपने कर्म श्रेष्ठ से फिर सुधारना है, तो हम कैसे श्रेष्ठ कर्म बनाए, उसने तो अपना कॉलेज खोला है। अभी जो आकर करके सीखेगा वही इस श्रेष्ठ कर्म की धारणा कर करके ऐसे संसार का लायक बनेगा, क्योंकि अभी दुनिया की हालात अनुसार ये भी समझना है कि अभी दुनिया के चेंज का टाइम आया हुआ है, परंतु आएगा चेंज तभी जब हम अपने लाइफ में भी चेंज ले आएंगे ना। जो लाएगा वही ऐसी चेंज वर्ल्ड की, यानी जो आगे आने वाली फ्यूचर वर्ल्ड, जिसको गोल्डन एजेड वर्ल्ड कहा जाए, ये अभी है आयरन एजेड, तो इसको कैसे चेंज होना है, ये अभी कैसे वर्ल्ड डिस्ट्रक्शन का और वर्ल्ड कंस्ट्रक्शन का टाइम है, तो ये सभी चीजों को समझना है। इसलिए थोड़े टाइम में तो ये सभी बातें समझाई भी नहीं जा सकती हैं, इसलिए कोई नए आए हैं तो आप लोगों को राय है कि इसको कुछ टाइम देकर करके आकर के समझेंगे तो बहुत अच्छा है, और बहुत कुछ अपने जीवन का लाभ पा सकेंगे।